हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग रहेगा विद स्टाफ बर्थडे पार्टी। तो हमारे मैम का बर्थडे है, तो जो हमारी मैम है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, हम भी चल रहे हैं गाड़ी में और करते हैं अब अपनी सीटिंग प्लान। तो डिस्कस चल रहा है, मंजीत कह रही है मैं वहाँ बैठूंगी, मिथिलेश कह रही है मैं वहाँ बैठूंगी। तो फाइनली देखते हैं कैसी सीटिंग प्लान होएगी हमारी। मैं तो बैठ जाती हूँ चलो गाइस, क्योंकि कहीं मेरी सीट ना बचे इसलिए मैं पहले ही बैठ जाती हूँ। ये लो जी, मैं तो आ गई। और अपनी तो गाइस, ये हमारी सीमा मैडम हैं जिनका बर्थडे है, ये है बर्थडे मैम। हम सब तो बैठ चुके हैं, वेट है अब एक और, अब हम एक मैम का और वेट कर रहे हैं, अभी वो आना रहते हैं, उनकी वेट में हैं। जैसे ही वो आते हैं तो हम चलते हैं पार्टी के लिए। तो गाइस देखते रहना इसी तरह से हमारी वीडियो को कंप्लीट, लास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है, आपको भी देखना हम कैसे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखना। ये लो वो मैम भी आ चुके हैं। तो गाइस अब हम सारा स्टाफ इकट्ठा हो चुका है, तो हम चलते हैं। ओके चलिए जी, आप भी चलो हमारे साथ पार्टी करने। तो ये हमारी जो सीनियर एक्शन मैम हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। जहाँ हमें पार्टी करनी है, तो अब हम देखते हैं कहाँ पार्टी करनी है, मतलब कि सिलेक्टेड जगह कौन सी है, कौन से कैफ़े में करनी है। वैसे मैं आपको बता दूँ, अब की बार हम किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, उस कैफ़े में नहीं जाएंगे जहाँ लास्ट टाइम गए थे। तो एक बार अब डिसाइड कर लें सारे इकट्ठे होकर कि जाना कहाँ है। तो हमारा डिसीज़न हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने सिलेक्टेड कैफ़े पर। पहुँच चुके हैं, तो हम अब डिसाइड कर रहे हैं मैम के लिए बर्थडे केक कहाँ से लें, क्योंकि जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ बर्थडे केक अवेलेबल नहीं है। पर मैम के लिए केक भी ज़रूरी है, मैम का केक तो कटवाना पड़ेगा, इसीलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ आसपास कोई बेकरी की शॉप हो जिससे हम जाके मैम के लिए केक लेके आएं। वो केक मैम की मैम के लिए हमारी तरफ से होगा बर्थडे केक मैम का। तो शायद हमें नवतिका मैम गाइड कर रही है कि यहाँ एक बेकरी की शॉप है,
तो वहां चलते हैं। तो हमारा डिसीजन हो गया है, अब नवतिका मैम लेके जाएंगे हमें बेकरी शॉप पर, क्योंकि उन्हीं को ही पता है वो जहाँ बेकरी शॉप है। तो चलिए मैडम के लिए केक ले ही आते हैं, जब तक वो अब वापस चले गए उसी कैफे पर, और हम जाकर लेते हैं मैम के लिए केक। वैसे हम पैदल ही जाएंगे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ आसपास ही बता रही है मैम है कि केक वो सॉरी बेकरी शॉप। तो चलिए मैम का केक ले लेते हैं। तो गाइस बहुत भीड़ है यहाँ। अरे गाइस ये देखिए ये क्या इतनी मोटी ब्राइडल, और मैं तो इसको देख के हैरानी होगी, ये देखो आप भी कितनी मोटी ब्राइडल है। वैसे इसे अब दूर कर लेती हूँ, कैमरा कहीं कुछ कहने लग जाए मुझे ही। तो चलिए चलते हैं बेकरी शॉप पर। अब हमें मिल गई है बेकरी शॉप, तो हम यहाँ से ले लेते हैं मैम के लिए एक अच्छा सा केक। वैसे हम बिल्कुल मिनिमम साइज़ का ही लेंगे क्योंकि हम बर्थडे जो सेलिब्रेट करने वाले हैं थोड़े ही हैं, और इसीलिए हमें छोटा सा केक इनफ रहेगा। तो हम जब तक डिसाइड कर लेते हैं कौन सा केक लेंगे मैडम के लिए। ये देखिए अब हमने डिसाइड कर लिया है, ये लिया है हमने मैम के लिए केक। तो हम इसको पैक करवा के चलते हैं उनके पास, हमने जब तक मैम के लिए कैंडल वगैरह भी ले ली हैं क्योंकि वहाँ अच्छे से मैम का सेलिब्रेट भी तो करवाना है। तो केक पैक हो चुका है, यहाँ एक्चुअली हमें रेडीमेड ही मिल गया था, काफ़ी अच्छा केक लग रहा है देखने में। तो बाकी वहाँ देखते हैं कैसे खा कर कैसे कैसा मिलता है ये। तो गाइस चलते हैं कैफे पर। तो फाइनली गाइस हम भी कैफ़े पर आ चुके हैं। ये देखो नतिका मैम मेरी हेल्प करवा रहे हैं, उन्होंने कैरी कर लिया है बैग। तो चलिए चलते हैं अंदर उनके पास। चलो जी, ये देखो मैम भी बैठे हुए हैं अंदर ऑलरेडी हमारी वेट में। हंगरी पॉइंट हम पहुंच चुके हैं, तो फाइनली अब हम करते हैं बर्थडे पार्टी की तैयारी। तो अब एक बार डिसाइड कर लें हमें कहाँ बैठना है, यहाँ बैठें या फिर बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट में भी स्पेस है और ऊपर भी, पर हमें लगता है हमें नीचे ही अरेंजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हम एक साथ मैनेज नहीं हो सकते। यहाँ छोटी सीटें हैं, सीटिंग प्लान है, तो हम जाएंगे नीचे। तो ये देखिए ये हमारा कैफ़े है, कैसा लगा आपको बताना प्लीज़। तो अब एक बार हम अब ये जल्दी से डिसाइड कर लेते हैं कि अब हमें क्या क्या चीज़ें ऑर्डर करनी है। तो हम एक बार ऑर्डर कर लें, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। तो हमने डिसीज़न ले लिया है, तो अब हम उनको ऑर्डर देकर आ रहे हैं। ये मैम गए हुए हैं देखो कि भाई हमारे लिए ये ऑर्डर कर दो, ठीक है गाइस। वैसे ये बहुत ही अच्छी जगह है। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में, फाइनली ऑर्डर करके आ चुके हैं। ये देखो बेसमेंट में काफ़ी स्पेस है, इसलिए हम बेसमेंट में चलते हैं। चलिए जी, ये देखो जी आज तो बेसमेंट बिल्कुल खाली है, जैसे तो सीमा मैम के बर्थडे के लिए हमने स्पेशल खाली करवा रखा है। ये देखिए कोई नहीं है यहाँ, काफ़ी स्पेस है। तो लास्ट टाइम हम इस जगह नहीं आए थे इसलिए आपको दिखाते हैं। चलो ये भी कितनी सुंदर जगह है, ये देखो बेसमेंट में भी कितना मस्त लग रही है ये जो जगह है, कितनी मस्त लग रही है सॉरी। तो अब डिसाइड कर लेते हैं कहाँ बैठना है, अभी तक ये डिसीज़न नहीं हुआ है कि बैठे कहाँ। बोल रहे हैं यहाँ बैठ जाओ, कभी बोल रहे हैं वहाँ बैठ जाओ। तो देखते हैं कहाँ कम्फर्ट होके बैठेंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो हम डिसाइड यहाँ सोफे पर ही करेंगे, पर देखो इनका
उनकी भी शेकी एक बार यहाँ बैठ के देख लेते हैं कैसा रहेगा। ये देखो मंजीत तो बैठ चुकी है, मैं भी बैठ ही जाती हूँ एक बार, थोड़ा सा बैठ के कंफर्ट फील हो रहा है वैसे, बट यहाँ परमानेंट नहीं बैठेंगे क्योंकि बैठ के तो वहीं केक वगैरह कटिंग होगी तो अच्छा सा रहेगा। तो चलिए हम आ गए हैं अपने सोफ़ा सीटिंग पर, यहाँ बैठ के हम मैम का केक अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते, सॉरी काट सकते हैं। ये देखिए हमारा बर्थडे केक, आपको कैसा लगा प्लीज़ आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैम को तो बहुत पसंद आया ये केक, सभी को बहुत अच्छा लगा केक लेके आया हुआ। तो अब हम चलिए इनकी सेलिब्रेशन की तैयारी कर लेते हैं। ये नथिंग का मैम ने कैंडल जला दिया मैम के लिए वैसे। अभी करते हैं स्टार्ट कटिंग केक की। अरे हवा लग रही है ना, वो बार बार बंद हो रही थी, पंखा बंद किया तब जली सारी कैंडल। ये देखो सीमा मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट। ऑर्डर किए थे फिंगर चिप्स, पास्ता और पिज़्ज़ा, और ड्रिंक में था मंजीत और मिथलेश के लिए कोल्ड ड्रिंक, और मैम के लिए था लेमन सोडा, और सीमा मैम और मेरे लिए थी हॉट कॉफ़ी। तो हम करते हैं एंजॉय। तो फ्रेंड्स हमने बर्थडे पार्टी एंजॉय की, बहुत आगे हम अपनी गाड़ी के पास। तो अब हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ, आई होप आपने भी हमारे साथ फुल एंजॉय किया होगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिस में। इसी तरह से प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करना। थैंक यू।